सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान ओके चैनल को और गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम और रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट का नोटिफिकेशन पाएं सबसे पहले और सबसे तेज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान ओके में। तो दोस्तों, हरिद्वार कुंभ मेला 2021 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो कि ई पास के लिए था, और ई पास का जो प्रोसेस था हरिद्वार कुंभ मेले में जाने के लिए, अगर आप स्नान करने के लिए जाना चाह रहे थे तो आपको ई पास बनाना ज़रूरी था। लेकिन दोस्तों, अब उत्तराखंड में गवर्नमेंट जो है, अब मुख्यमंत्री जो है बदल गया है गवर्नमेंट का, और नए मुख्यमंत्री ने नया एक आदेश दिया है, और वो आदेश क्या है आप देख सकते हैं। हरिद्वार कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को उत्तराखंड सरकार ने अब राहत दे दी है। अब कुंभ में शामिल होने या स्नान के लिए आने पर कोविड की जाँच रिपोर्ट ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेले में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन करना होगा। ये नया आदेश उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया है। पहले आपको हरिद्वार कुंभ मेले में आने के लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ रहा था, और साथ ही साथ आपको कोरोना की जांच रिपोर्ट भी लगानी पड़ रही थी। तो दोस्तों, अब ये सब आपको नहीं करना है, आप सीधे कुंभ मेले में आ सकते हैं, लेकिन आपको जो आपका कोविड-19 के जो दिशा निर्देश हैं उनका पालन करना होगा। और ये मैं आपको ऑफिशियल न्यूज़ भी इसकी दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं jagran.com की रिपोर्ट है, और ये न्यूज़ है हरिद्वार कुंभ मेला 2021 से रिलेटेड। कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को उत्तराखंड सरकार ने दी राहत, अब कोविड जाँच जरूरी नहीं। तो क्या इसमें क्या कुछ कहा है गवर्नमेंट ने, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें लिखा है, प्रदेश सरकार ने कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को खासी राहत दी है। सरकार ने कहा है कि कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को अब कोविड के RT-PCR जांच की नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी नहीं है। इतना ज़रूर है कि सभी श्रद्धालुओं को कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पूरी तरह से अनुपालन करना होगा। और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि कुंभ स्नान में आने वाले श्रद्धालु बिना किसी असुविधा के सुखद संदेश लेकर जाएं, ये हम सबका दायित्व है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं जो कुंभ के लिए गवर्नमेंट ने जो नया आदेश जारी किया है, कि अब जो सारे जो कुंभ में आने वाले जो श्रद्धालु हैं कुंभ के लिए जो हरिद्वार आ रहे हैं, उनको जो है कोविड-19 की जो जांच रिपोर्ट है वो नहीं लानी है। और बेशक आप ऑफिशियल साइट पे अभी भी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ट्रेवल रजिस्ट्रेशन का एक कॉलम जो है आ रहा है, अभी भी लिंक एक्टिवेट है, यह आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये भी लिंक कुछ टाइम बाद इसमें से हट सकता है, और अगर आप तब भी इसके लिए अगर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो प्रोसेस पूरा ये अभी ऑनलाइन अवेलेबल है। ऑनलाइन आप इसका जो प्रोसेस है वो देख सकते हैं, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो दोस्तों, कुंभ 2021 से रिलेटेड ये नया जो अपडेट है, ये आप सभी लोग तक ये पहुँचे, इसके लिए हमने ये वीडियो बनाया है। और इसी तरह कुंभ से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट की जानकारी पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।